अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स पाकिस्तानी ब्यूटी टिप्स चैनल फिज़ा और मैं हूँ फिज़ा। ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है जो मैं कैमरे के सामने शूट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 16 वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर और ये 17 वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। मैं एक DIY पर्सन हूँ और फेस वॉश से लेकर नाइट क्रीम तक DIY ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर DIY वीडियोज़ की रिव्यूज़ शेयर करती हूँ जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपलोड किए हैं। जो वीडियोस यूट्यूबर्स अपलोड करते हैं मैं उनको पर्सनली यूज़ करती हूँ, उनके एक्सपेरिमेंट करती हूँ और फिर उनको बनाते हुए जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या उनके जो भी रिजल्ट्स होते हैं मैं उनको शेयर करती हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं ज़ैनब नुमान, जो कि हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनके DIY फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें पहले हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। मैं ये मिक्सचर सिर्फ 4 दिनों के लिए बना रही हूँ। देन इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच सूजी ऐड की है और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड की है और 1 चुटकी हल्दी की। जबकि उन्होंने बेसन और बेसन की मकदार ज़्यादा रखी थी, लेकिन मैंने बेसन और मुल्तानी मिट्टी की मकदार सेम रखी है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो तरीका बताया था यूज़ करने का वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक कटोरी ढूंढें और फिर उसके अंदर मिक्सचर को तैयार करें और फिर अप्लाई करें। इसलिए मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगा और मैंने इसको इसी मेथड से यूज़ किया है। और उन्होंने बताया कि 3 मिनट के लिए इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। तो फिर वही बात कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 3 मिनट के लिए इसको अपने फेस पर अप्लाई करके रखें। इसलिए मैंने जिस तरीके से फेस को वॉश करते हैं इसको नॉर्मली उसी तरह से वॉश किया है। और 3 मिनट वाला जो उन्होंने मेथड बताया वो मैंने रात के टाइम फॉलो किया है। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उन्होंने पहले जो चीज़ बताई है कि सूजी एक स्क्रबर का काम करती है, तो यस, ये एक स्क्रबर का काम करती है। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करती है। मुल्तानी मिट्टी ऑयल को कंट्रोल करती है, तो जो भी बिल्कुल करती है। उसके बाद बेसन जो है वो आपकी स्किन को क्लीन करता है, जी बिल्कुल करता है। और हल्दी जो है वो स्किन को लाइट करती है। तो अगर हम इसके टोटल नतीजे की बात करें तो इसको हम फेस वॉश का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इसको लिक्विड बनाते थोड़ा सा तो वो शायद ज़्यादा इजी हो जाता। लेकिन इसका नाम जो होना चाहिए था वो मेरे ख्याल से होना चाहिए था डेली स्किन ट्रीटमेंट, क्योंकि ये फेस वॉश से भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो इट इज़ अ सुपर्ब। ये स्किन टोन को, इसने मेरी स्किन टोन को इवन किया है। मेरी स्किन पर जो गर्मी की वजह से ऑयल आ रहा था, इसने उस ऑयल को कंट्रोल किया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मैंने जो 4 दिन का बनाया था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से बना के यूज़ किया और तकरीबन 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तो ज़ैनब नुमान जी, आपने बहुत अच्छा ये फेस वॉश शेयर किया है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन इसका नाम फेस वॉश नहीं बल्कि डेली स्किन ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।